जिससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज का ये कहना होता है ना कि नहीं तुम ऐसा करो तो वैसा करो, इसे ये टफ है क्योंकि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये टफ है तो मैं इंटरेस्ट तो मैं इसको जब कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो इसलिए मैंने सीए को ऑप्ट किया था। और रही बात पेंटिंग की, पेंटिंग इंटरनेशनल फेम बिजनेस तब देता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है पेंटिंग। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ सुने। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ सुने। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दिल की बातों में। दिल की बातें ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से बंद था। वजह मात्र एक थी कि हमारे देश में जब से लॉकडाउन लगा, फिर अनलॉक वन चला कोरोना की वजह से, हमने इस सीरीज को जो सिर्फ युवाओं के लिए, प्रतिभावान लोगों के लिए बनी थी, उसको बीच में हमें रोकना पड़ा। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी प्रतिभागी को हम यहाँ आमंत्रित करते थे तो वो असमर्थ थे, क्योंकि वजह थी कोरोना। तो इसलिए कोरोना काल में हमने किसी को आमंत्रित भी नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि हमारे बाजू में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची बैठी है, ऋषिका नाम है इनका। यही आजमगढ़ जिले के चौक की रहने वाली हैं ऋषिका। अभी हाल ही में इन्होंने 12th पास आउट किया है और आगे सीए की प्रिपरेशन में लगी हुई हैं। चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, जोड़ गुणा गणित करना है, समाज के उन मूल्यों का भी इनको गुणा गणित करना है, जोड़ घटाना करना है, समाज को संदेश भी देना है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, कर रही हैं। लेकिन फिर भी ये जो बातें बराबरी की, इक्वलिटी की होती है, कहीं ना कहीं जो पुरुष वर्ग की एक संकीर्ण मानसिकता है आगे बढ़ने की, अक्सर लड़कियों को एक ब्रेक देने की कोशिश होती है, रोकने की कोशिश होती है। उन रूढ़िवादी सोच को भी, उन चीज़ों को भी ऋषिका लगी हैं तोड़ने के लिए। कैरियर में जब भी ये अपनी बुलंदी पर पहुँचेंगी तो इनका कहना है कि मैं कुछ समाज के लिए, यूथ के लिए ऐसा करूंगी, लड़कियों के लिए ऐसा करूंगी ताकि उनके लिए प्रेरणा हो सके। और हर माँ बाप अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, एक समान समझे, किसी में कोई भेद ना समझे। ऋषिका को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, वो साथ में लेके आई हैं, दिखाएंगी भी हमको जब हम कार्यक्रमों के बीच में। चलिए पहले ही दिखा दिया इन्होंने, पहला ही गोल्ड मेडल है। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जिस खास इंटरव्यू के लिए या जिस बातचीत के लिए हमने ऋषिका को आमंत्रित किया है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऋतिका सीए की प्रिपरेशन में लगेंगी, तैयारी करेंगी दिल्ली से, लेकिन जिस वजह से मैंने इनको आमंत्रित किया है वो दूसरी ही चीज़ है। ऋषिका बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर लीना मिश्रा जो कि एक प्रख्यात पेंटिंग की शिक्षिका हैं और पेंटिंग गुरु भी कहा जा सकता है, तो उनके उस संस्थान से एक नायाब हीरे निकल रहे हैं। ऋषिका भी उनमें से एक हैं। ऋषिका के पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। ऋषिका के एक भाई और ऋषिका कुल मिला के दो बहनें, यानी कि तीन भाई बहन हैं सब मिला जुला करके, यानी पांच लोगों का परिवार है। तो देर ना करते हुए अब सारी बातें मैं ही बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, ऋषिका से बात करते हैं। ऋषिका सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिल की बातें में। शुक्रिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी न्यूज चैनल का, सीआईबी न्यूज इंडिया का, कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस लायक समझा कि मैं अपनी बातें रख पाऊं। ऋषिका, सबसे पहले शुरुआत मैंने बता ही दिया है आपके मम्मी पापा के बारे में, अब ऋषिका के बारे में जान लेते हैं। ऋषिका किस तरह से बचपन की, मतलब कुछ कहानियां, किस तरह के बचपन से आप गुजरी हैं, क्या कुछ ऐसी मेमोरेबल स्टोरी है जिसको आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बचपन में देखिए सबका एक होता है कि सभी नटखट होते हैं, सभी जिद्दी होते हैं, कहीं ना कहीं सबका एक अलग ही स्वभाव होता है। और बचपन एक ऐसा युग होता है जिसमें हम अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहते हैं। उस समय हमें न किसी की चिंता रहती है, न कोई भी परेशानी रहती है। बिल्कुल सही। अपने जिंदगी का सबसे मूल्य, सबसे जिसको कहते हैं अनमोल रत्न होता है वो बचपन। सब चाहते हैं कि वो बचपन हम खुल के जिए। मेरा भी बचपन कुछ ऐसा ही था। मैं बहुत नटखट थी, नादान थी, चंचली बहुत थी, पूरे घर में सबको परेशान करके रखती थी मैं। तो आप, ये जो बहनों भाइयों का मैंने आंकड़ा बताया तीन, हाँ। तो उसमें छोटी थी, छोटी हैं या सबसे? नहीं, मैं बीच में आती हूँ। बीच वाली, हाँ। भाई छोटा है, हाँ। तो भाई भी छोटा रहता था और बहन बड़ी रहती थी, तो दोनों साइड से अगर कुछ होता भी था तो मैं बच जाती थी।
ठीक है। अच्छा पापा का क्या नाम है आपके? पापा का नाम मेरे श्री अंकित अग्रवाल है। अंकित अग्रवाल, अच्छा। मम्मी का? मम्मी का श्रीमती निमिषा अग्रवाल। अच्छा, और आपके जो भाई बहन है उनका क्या नाम है? मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम आधार अग्रवाल है, और एक बड़ी बहन है, उसका नाम अमीषा अग्रवाल है। अच्छा, तो आपको कब लगा ये जैसे आपके एजुकेशन चल रही थी, शुरुआत आपने कहाँ से करी, किस स्कूल से करी, उसके बारे में भी बताइए, और कब लगा आपको कि आपको आर्ट के फील्ड में भी हाथ आजमाना चाहिए? मैंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन यहाँ के प्रसिद्ध ज्योति निकेतन स्कूल से ली है, और जैसा कि मेरा ये था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टिविटीज होती रहती थी। अच्छा, तो क्लास तो क्लास फिफ्थ में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था पेंटिंग से रिलेटेड, तो मेरे को ये था कि मेरे को बहुत अच्छा करना है, मुझे अच्छा दिखाना है अपने आप को उसमें। तो उस समय मैं डॉक्टर लीना मिश्रा के कॉन्टेक्ट में आई थी और वहाँ गई, तो वहाँ मैंने देखा, ये क्लास फिफ्थ की बात है, तो क्लास फिफ्थ की बात है जब मैं वहाँ गई, 6-7 साल पहले। हाँ, 6-7 साल पहले की बात है, और मैं 6-7 साल पहले से ही लगातार उनके गाइडेंस के अंदर हूँ। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा कि एक पेंटिंग बहुत ही अच्छा मीडियम है जिससे हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ लगा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, तो मुझे भी लगा कि मुझे आगे कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने अपने घर पर जिद की कि मुझे पेंटिंग ही करनी है। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे के लिए, ताकि वहाँ मैं जा पाऊँ, वहाँ पे और आगे कुछ सीखूँ, अच्छा कर पाऊँ। तो उस दौरान मैं आगे गई वहाँ पे, और वहाँ मेरे पेंटिंग को इंटरेस्ट को मैंने जाना, और जबकि जिससे सब जानते हैं कि डॉक्टर लीना मिश्रा बहुत ही अच्छी मोटिवेशन है, गाइडेंस के लिए रही है वो, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया, और इस चीज़ में मैं आगे बढ़ पाई। ऋषिका, ये बताएं कि जैसे आप कला के क्षेत्र से आती हैं, कलाकार जो होता है बड़ी ही सकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है, धनी होता है, अपने ब्रश से वो जीवन के हर एक रंग को उकेरता है, तो कला का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अगर आप इस पर कुछ बता पाए तो? कला का हमारे जीवन में महत्व, सबसे बड़ा महत्व तो यही है जो आपने बोला कि वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी स्प्रेड करता, सकारात्मक लाता है जी। तो उसको अगर हम किसी भी माध्यम, एक आर्टिस्ट की एक खूबी होती है कि वो हर एक जो एक कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग होती है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं जीव जंतु को पाता है, उसमें भी वो कुछ ना कुछ अच्छा देखता है, उसमें भी कुछ कहते हैं जीवन पा जाता है। तो कला के माध्यम से हम अपने जैसे कि जीवन में उसको ला सकते हैं, और उसको अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं, कि हमको लगता है कि हमारे साथ ये बुरा हो गया, ये खराब हो गया, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और ये बहुत ही कहा जाता है कि हर चीज़ अच्छे के लिए ही होती है, तो एक आर्टिस्ट को, एक आर्टिस्ट यही करता है कि वो हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी फाइंड करता है, वैसे ही हमें अपने लाइफ में भी पॉजिटिविटी लानी चाहिए। अच्छा, ये भी देखा गया है कि अक्सर जैसे कलाकार जो होता है, जब तस्वीरें मतलब कैनवास पे उसके जब ब्रश चलते हैं, कलर चलता है, तो वो बहुत सारी ऐसी कलाकृतियों को निर्मित करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जो जीवन के हर एक मोड़ पे आप जब उसको देखते हैं, जहाँ एग्जीबिशन वगैरह लगा होता है, हम जब जाते हैं तो लगता है कि ये तस्वीर मेरे भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित कर रही है, मेरी भावनाओं को प्रदर्शित कर रही है, मेरी कमजोरियों को प्रदर्शित कर रही है, या मेरी मजबूती को दर्शा रही है, ऐसे भी मतलब बिना लिखे ही सब कुछ तस्वीरें कह देती हैं। तो कोई ऐसा मौका मिला कभी आपकी बनाई गई पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगा हो, लोग आए हो देखने? लगा है बहुत बार, जैसे कि अभी एक हुआ था, वो रूपांकन हुआ था, वार्षिक उत्सव हुआ था, गणेश महोत्सव, गणेश चतुर्थी पे पिछले साल, इस साल तो कोरोना की वजह से कुछ ना हो पाया, बट पिछले साल गणेश उत्सव पे लगा था, गणेश मंदिर में 108 गणेश जी की पेंटिंग्स लगी थी, 108 तरीके की, जिसमें मेरी भी दो पेंटिंग थी। तो कई जगह एग्जीबिशन लगा है, तो वहाँ पे लोगों ने भी ये चीज देखा है। हमें भी होता है कि पेंटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करनी हो तो हम उसमें उतार सकते हैं, वो हमारे मन को भी शांति देती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कभी पेंटिंग के काम के लिए या किसी कंपटीशन के लिए पेंटिंग से रिलेटेड कहीं बाहर भी जाना हुआ है आजमगढ़ के? फिलहाल तो अभी नहीं हुआ है, बट अभी जाना है एक जगह इंदौर में, इंदौर में साहिल लहरी एंड टीम, उन लोग ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, और वो कहीं ना कहीं नई तरीकों से वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ऑनलाइन का मैंने बहुत बार देखा लीना मिश्रा जी का, कि ऑनलाइन कंपटीशन कराते रहती हैं वो, तो कभी इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया आपने? ऑनलाइन में भी मैंने नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे भी किया है पार्टिसिपेट, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, और दोनों में मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो नेशनल चाहे इंटरनेशनल हो, उसमें मेडल्स भी मिले हैं। किस तरह से होता है ये, किस तरह से होता है उसमें? ये देखिए, सबसे बड़ी सुविधा अच्छी ये रहती है कि हमें वहाँ जाना नहीं पड़ता है, कई लोग जाने से बाहर डरते हैं कि बाहर ना जा पाए, यहीं
बैठे बैठे सब हो जाए। तो ये रहता है कि हम अपनी पेंटिंग बनाते हैं, वो हमें देते हैं, एक थीम देते हैं, एक विषय देते हैं, उस पे हम अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं और उन्हें एक लिमिट तक हम उनको भेजते हैं, उनको उनको भेजने के बाद वो अपने जजेस डिसाइड करते हैं और वो जजेस पेंटिंग सेलेक्ट करते हैं और चूज करते हैं कि विनर कौन रहेंगे और फिर वो सर्टिफिकेट या मेडल जो भी रहता है उसको कोरियर करते हैं या तो ईमेल के थ्रू भेज देते हैं। तो इस तरह के किसी कंपटीशन में आप विनर रही हो, अगर ये जो मेडल्स वगैरह रखे हैं ये किस तरह के हैं, जैसे थोड़ा सा दिखाएं जी। ये देखिए, ये मुझे चालुक्य बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला था। चालुक्य जी, ये पेंटिंग में भी इसमें मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पेंटिंग भेजी थी और इसमें भेजी थी मैंने वो पेंटिंग, मतलब मैंने बनाई थी यहीं पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। हाँ जी, मैंने उनकी पेंटिंग बनाई थी और मैंने यहाँ से उसकी फोटो भेजी थी बस। फिर फोटो भेजने के बाद वहाँ के जजेस ने उसके बाद मुझे चालू के बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड दिया जिसके थ्रू मुझे ये मेडल और सर्टिफिकेट कोरियर किए गए। और एक और है श्री क्या है, दर्शनी, श्री दर्शनी कलाई कोदाम, ये भी उन्हीं का इंस्टीट्यूट है और इसमें सिर्फ एक बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड था, जैसे उसमें चालुक्य अवार्ड था इसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड था। इसमें मैंने अपनी पेंटिंग भेजी थी उसको, उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा तो उसमें मुझे अवार्ड मिला था। एक और बड़ा सा सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है सामने, ये बड़ा वाला सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने भेजा था हमें। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया एक संस्था है, रेनाउंड संस्था है, रंगोली जो आप लोगों ने बनाया था जी, उसी की है, उसी ये। का है। हाँ। अच्छा, तो कितने लोगों का ग्रुप था उसमें? ये एक टीम वर्क था, इसमें हम 10 लड़कियां थी और 10 लड़कियों ने मिलके हमने 9.5 घंटे में 13x40 फुट की एक सबसे बड़ी रंगोली बनाई थी। सबसे बड़ी हमने, उन्होंने हमें लिमिट दिया था, हमने उनको साइज मेजर करके भेजा था, उनसे वीडियो कॉल के थ्रू दिखाया भी था कि हमने इतने में दिया था। उस रंगोली का थीम था कि कोरोना वॉरियर्स को हमें सैल्यूट करना था, उसमें हमने उनको सैल्यूट तक किया था और हमने दिखाया था कि कैसे हमारे जो सफाई कर्मी हैं और डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट्स हैं और जो भी मीडिया वाले हैं वो सब कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस महामारी के समय भी। सारे लोगों की तस्वीरें बना के रंगोली के माध्यम से आप लोगों ने प्रदर्शित किया था और कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश देना था देश को कि ये सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स फाइट कर रहे हैं, उनको सैल्यूट भी करना था, समाज में मैसेज भी देना था ताकि कोरोना को रोका जा सके। अच्छा, मुझे बताइए कि ऋषिका, अवार्ड जिंदगी में क्या मायने रखते हैं, सर्टिफिकेशंस क्या मायने रखते हैं आप जैसे युवाओं के लिए, पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए? अब कहा जाए अगर आज के युवाओं के, आज के जनरेशन में, तो अवार्ड मायने रखता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन देता है कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया तो हमने जीता, तो वो और आगे हमें प्रेरित करता है कि हम आगे भी कॉम्पिटिशन में भाग ले ताकि हमें आगे भी और मिले। ये एक कलेक्शन होता है हमारा जो हमारे आगे के करियर को भी डिसाइड करता है। तो जो नहीं जीत पाते, जिनको ये सारी चीजें नहीं मिल पाते, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए ये मैसेज है कि उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप किसी एक कंपटीशन से किसी की ओवरऑल जो उसका टैलेंट है उसको जज नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज कहा जाता है कि पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, तो हमें उससे भी मोटिवेट करना चाहिए, इसलिए उसने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि किसी किसी के पास तो इतनी भी फीलिंग नहीं हो पाती, इतना भी वो हिम्मत नहीं कर पाता कि वो पार्टिसिपेट करे, तो जो पार्टिसिपेशन होता है वो भी बहुत बड़ी बात होती है, तो हमें उन्हें भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो आगे भी अपने उसमें अपने आप को दिखा पाए कि नहीं, मैंने पार्टिसिपेट किया था, मेरी पेंटिंग भी अच्छी थी। तो जो हारते हैं या जो जीतते हैं उससे नहीं डिसाइड होता कि वो इंसान कैसा है, कैसे बनाता है। चलिए, ये तो हो गई काफ़ी एक लंबी चौड़े सवालों की फहरिस्त जिसका जवाब आपने बखूबी दिया। अब लौटते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में और जानना है, पढ़ाई लिखाई, पेंटिंग्स, पैशन के अलावा ऋषिका को और क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे ऐसे सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, स्टडीइंग पसंद है। अच्छा, डांसिंग किस तरह का करते हैं, वेस्टर्न या? नहीं, वेस्टर्न ही करते हैं। वेस्टर्न ही करते हैं। अच्छा, कुकिंग में क्या क्या आता है? कुकिंग में लाइक नॉर्मली हो गया, इंडियन डिशेस भी आती हैं, साउथ इंडियन भी कभी कभी ट्राई हो जाता है। कभी मम्मी का हाथ बटाते हैं किचन में या बस कि अपनी पसंद की चीजें बनानी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मम्मी का हाथ भी बटाते हैं उसमें। ऐसा नहीं ना कि जब मुझे ऐसा है कि मुझे जो पसंद नहीं, मुझे वो नहीं खाना जो मम्मी ने बनाया या दीदी ने बनाया, तो मैं किचन में जाऊँ अपनी पसंद का बनाऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मम्मी की मदद करते हैं। मदद करते हैं, चलिए अच्छी बात। अच्छा, सीखने का भी मौका मिलता है ना, जो लोग अक्सर कहते हैं उसी से ही सीखने को मिलता है ना कि कैसे क्या होता है, खाना पीना बनाना, तो वो चीज आ जाती है। चलिए, ये तो हमारे सामाजिक परिवेश की देन है, वरना इसे भी एक सीखने की जरूरत पड़ती, बाहर जाके ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती। अब मैं लौटता हूँ मेन सवाल की तरफ, है ना, ये थोड़ा सा टफ भी है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे,
आप सीए की चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी में लगी हुई हैं, 12th पास आउट किया है आपने, मुझे बताया 89.6% मार्क्स के साथ, और फिजिकल एजुकेशन में आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक कला है, कलाकार की दुनिया है, दूसरा आप चार्टेड अकाउंटेंसी की तरफ बढ़ रही हैं, तैयारी करेंगे दिल्ली से, तो कैसे करेंगे, सामंजस्य कैसे बिठाएंगे दोनों में? देखिए, सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है मुझे कि मेरी पढ़ाई भी मेरे लिए ज़रूरी है, मैं उसको पीछे नहीं छोड़ सकती। तो अगर मैंने इतना किया है, 12th मैंने अच्छे से पास किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक पेंटिंग के थ्रू, पेंटिंग भी मेरी साइड में रहे, ताकि ये ना हो कि मेरे हाथ में हुनर था मैंने छोड़ दिया उसे, क्योंकि कई लोग के पास होता है हुनर नहीं रहता है तब भी उसको करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई करूँ, उसमें मेरा फ्यूचर है, उसमें कर सकती हूँ, तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सीए के लिए भी, पेंटिंग के लिए भी अप्लाई करूँगी। तो दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, किस तरह से? दोनों में सामंजस्य बिठाएं, जैसे कभी कभी होता है कि इंसान पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, कोई इंसान दिन भर नहीं पढ़ सकता है, स्पेशली मैं तो एकदम नहीं पढ़ सकती। अच्छा। तो मेरे अकॉर्डिंग है कि जब कभी मुझे लगे कि नहीं मुझे अब कुछ करना चाहिए, कुछ और मैं कर सकती हूँ, रचनात्मक काम करना है, कुछ फ्रेशनेस भी आएगी। जैसे आपने कहा कि पेंटिंग पॉजिटिविटी लाती है, पीस भी देती है वो, तो जब मुझे लगे कि नहीं मुझे पीस चाहिए तो मैं उस समय पेंटिंग कर सकती हूं। जब कभी भी बोझिल होंगे पढ़ाई लिखाई से, तो ब्रश तो कैनवास सामने होगा, और हमेशा ये रहेगा मुझे कि मैं उस पेंटिंग के थ्रू दूसरों को भी मोटिवेशन दे सकूं, सोसाइटी में दिखा सकूं कि नहीं हम पढ़ाई के साथ पेंटिंग भी कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ पेंटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने एक किताब पढ़ी थी, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर साहब की थ्योरी है डर्मेटोग्लाफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी, है ना, एक तरह का, जैसे उसमें एक टेस्ट होता है, एक टोटल ऑब्जर्वेशन होती है उसमें, कि आपके टैलेंट के हिसाब से अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, जैसे जिधर आपका टैलेंट है, जिधर आपका रुझान है, ठीक है, जैसे हम दो दिशा में एक साथ नहीं बढ़ सकते, ठीक है, जिधर हमारा सबसे बेस्ट है हम जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी का पार्ट है ऋषि का। तो उसमें उनके कहने का मतलब ये था कि अगर हम अपनी पसंद की चीज़ें करें, पसंद मतलब जो सही हो, है ना, उस पर अगर हम फोकस करें तो हमारा करियर बेहतर तरीके से डेवलप हो सकता है। जैसे इसका अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूँ, तो उदाहरण यह है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगी तो हो सकता है, बहुत सारे दुनिया भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपकी आपका जो फ्रेम है, करियर तो बन जाएगा, पैसा उसमें भी आएगा, तो आप एक फ्रेम में ही रहेंगी। लेकिन जब आप एक कलाकार, एक अच्छी कलाकार बन जाएंगे, रिनाउंड, जैसे आपने कहा इंटरनेशनल में आपने पार्टिसिपेट किया, तो शायद चार्टर्ड अकाउंटिंग में वो हो सकता है, वो भी हो सकता है कि आप इंटरनेशनल वे में जाके काम करें, लेकिन थोड़ा सा टफ, बहुत बहुत ही एक तरह से एक बड़ी चीज़ है ये, लेकिन बनिस्बत उसके कलाकार हो करके आप पूरी दुनिया में अपना नाम कर सकती हैं, तो आपको कौन सा तरीका सही लगेगा? अभी अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं पढ़ाई करके सीए बनके ही इंटरनेशनल चूज करूँ, इंटरनेशनल में काम करूँ। अच्छा। जिससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज का ये कहना होता है ना कि नहीं तुम ऐसा करो तो वैसा करो, इसी ये टफ है क्योंकि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये टफ है, इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं इसको जब कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ, तो इसलिए मैंने सीए को ऑप्ट किया था। और रही बात पेंटिंग की, पेंटिंग इंटरनेशनल फेम बिजनेस सब देता है, बहुत ही अच्छा चीज है पेंटिंग, करोड़ों में बिकती है पेंटिंग, नाम तो अलग जिसे हम लोग जानते हैं, लियोनार्डो इतना बड़ा होता है कि पैसा तो उसका कुछ मायने नहीं, बहुत है, जैसे कई आर्टिस्ट है, लियोनार्डो विंची है, डॉक्टर राजा रवि वर्मा है, ये सब कई आर्टिस्ट है जिनका नाम हम लोग सुनते ही कहते हैं अरे ये तो आर्टिस्ट है, एम एफ हुसैन हो गए, तो बहुत ही ज्यादा फेम होता है पेंटिंग में। मुझे भी चाहिए था, हाँ मेरे को भी है कि मुझे फेम चाहिए, बट मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे फेम के साथ एक अलग नेम चाहिए, कि नहीं मेरे पास ये भी इंटरेस्ट था तो मैंने अपना इंटरेस्ट भी किया और पैशन भी किया। आपने जिनके नाम गिनाए वो शायद अब इस दुनिया में, शायद क्या वो इस दुनिया में नहीं है, कुछ मौजूदा हैं ऐसे कलाकार जिनसे आप लोग प्रेरणा लेते हो, आगे बढ़ते हो? कुछ मौजूदा में मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी अभी प्रेरणा में सिर्फ डॉक्टर लीना मिश्रा ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी, और अगर मैं बाहर जाऊंगी, बाहर लोगों से मिलूंगी, तो मैं और लोगों को भी जानना चाहूंगी उसमें, और लोगों को जानना चाहेंगे। एक और टफ सवाल लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, कॉर्पोरेट कौन करता है घर में आपको ज्यादा, मम्मी या पापा? मम्मी पापा दोनों लोग करते हैं, मैं किसी एक का नाम ले सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मम्मी घर में सपोर्ट करती तो पापा बाहर सपोर्ट करते हैं, कहीं जाना रहा, कहीं कुछ भेजना रहा। पिटाई कौन करता है? पिटाई दोनों नहीं करते, दोनों नहीं करते। अच्छा, बहनों में और भाइयों में छोटा वाला? नहीं, दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं वो है। तो प्यार रहता है, आपस में लड़ाई होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, कोई चीज लेके भागते नहीं इधर उधर? नहीं, थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है बस। जो आपकी है वो डांटती नहीं आपको?
डांटती हैं अगर कुछ गलत करते हैं तो, गलत करने पे डांटती हैं। हाँ। और जब सही करते हैं, ये जीत उत के लाती हैं अवार्ड वगैरह, तो तब अप्रिशिएशन होता है, तब लगता है कि नहीं वो भी मोटिवेट करती है, तब जाके तारीफ मिलती है। हाँ। ना तो कैसा लगता है जब घर वाले तारीफ करते हैं, बाहर वाले तो करते ही हैं। हाँ, घर वाले क्योंकि अक्सर ना घर की जो होती है वो साग बराबर होती है। हाँ। लोग कहते हैं कि कुछ भी करके आप आ जाओ तो घर में कोई अहमियत नहीं मिलती। नहीं, तो मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में बहुत अहमियत मिलती है। मेरी पेंटिंग्स को भी बहुत अच्छे सजा के रखा जाता है, साफ सफाई से रखा जाता है। जैसे कहते हैं लोग की पेंटिंग्स होती है बना दी जाती है फिर रख दी जाती है, लेकिन नहीं, मेरे यहाँ उसकी वैल्यू भी होती है, अप्रिशिएशन वगैरह मिलता है, तो घर में भी सब खुश होते हैं, सबको लगता है कि चलो इतना अच्छा कर रही है, आगे और कर सकती है, आगे मोटिवेट करते हैं करने के लिए उसको। अब एक छोटा सा सवाल है और संक्षिप्त में उसका आपसे जवाब चाहूंगा। आप एक लड़की हैं, लड़कियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बाहर में स्टडी के लिए भी जाओ तो भी दिक्कतों का, जो हमारा परिवेश भयावह होता जा रहा है ना, जगह जगह क्राइम हो रहे हैं दुनिया भर के, उन सब चीज़ों को लेकर भी लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने में भी उन्हें डर लगता है, और साथ ही ऐसे भी माता पिता हैं जो लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम सोचते हैं कि चलो काम भर का पढ़ा लिखा लिया, शादी वगैरह हो जाएगी, घर के काम काज सीख लें, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? साथ ही आप एक अभी उभरती हुई कलाकार हैं, देश के चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, प्रधानमंत्री जी हों, क्या उनसे आपकी अपील होगी देश के लोगों से, ताकि एक अच्छे एनवायरनमेंट में, मतलब एक परिवेश में बच्चियां भी जी सकें खुल करके, उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं वो ना हो सकें, वो सुरक्षित रह सकें और अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर सकें? मेरा ये मानना है कि जैसे हम कहीं ना कहीं स्कूल्स वगैरह कहीं भी जाते हैं, कुछ भी होता है तो वर्कशॉप्स अरेंज होते हैं ताकि हम पेरेंट्स बच्चों से इंटरेक्ट हो सके। तो मेरा ये मानना है कि जहां हम बच्चों को इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चे तो अब इस जनरेशन में ये हो गया है कि बहुत बच्चे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा ही अवेयर है इन चीज़ों में, तो हमें ये करना चाहिए। मेरी ये अपील है, गवर्नमेंट से, सोसाइटी से भी अपील है कि जो वर्कशॉप्स हम बच्चों के लिए करते हैं उसमें से कुछ पार्ट हमें पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, वो वर्कशॉप पेरेंट्स के लिए करना चाहिए ताकि पेरेंट्स ज़्यादा जागरूक हों, वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सके, उन्हें ये लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे छोड़ते हैं कि क्या हम माँ बाप से झगड़ने जाएंगे, हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स खुद ये चीज समझेंगे तो बच्चों को आगे नहीं आना पड़ेगा। तो अगर पेरेंट्स समझेंगे तभी वो बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को पेरेंट्स की वर्कशॉप लेनी चाहिए, उन्हें ये चीज बोलना चाहिए ताकि वो अपने सोसाइटी को लेनी चाहिए, ताकि वो अपने सोसाइटी मोटिवेट कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि पेरेंट्स से सोसाइटी बड़ी होती है, ज्यादा लोग से इंटरेक्शन होता है, ज्यादा लोग से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो और ज्यादा लोग को मोटिवेट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं लड़कियों को भी इक्वालिटी मिल पाएगी। फिर मैंने एक और सवाल उसमें पूछा था सुरक्षा को लेके, जो एक चिंता रहती है माँ बाप की बाहर भेजने में पढ़ने में, बहुत सारे बच्चियों का के साथ बुरा हुआ, उनका मर्डर तक हो गया। हमने बलिया का एक कहानी देखा, निर्भया से लेकर उसके बाद तो अनगिनत सिलसिले चलते रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि इस तरह की चीजें ना हो समाज में, रोकी जा सके? अब इस चीजों को रोकने के लिए देखिए, हम सिर्फ कहते हैं कि खुद हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा उस चीज के लिए। कहीं ना कहीं जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एक्शन कम लेती है, होता है केसेस लेकिन बहुत लंबा हो जाता है, तो उस चीजों को हमें उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, त्वरित थोड़ा सा जल्दी ना, क्विक एक्शन, जल्दी क्विक एक्शन ले, ताकि वो चीज उतनी लंबी, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है सबको कहते हैं सिंपैथी मिलती है, लेकिन वो चीज इतनी लंबी चली जाती है कि फिर वो जस्टिस जस्टिफाइड नहीं रह जाता है। अगर वो चीज तुरंत हो, जस्टिस मिले, गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ले, तब केसेस रिवॉल्व हो सकते हैं। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये सवाल उस बुनियाद पर टिका है जिस नाम से हमारा ये कार्यक्रम है, दिल की बातें। तो अब आखिरी सवाल मेरा आपके दिल की बातों का है, ऋषिका क्या करना चाहती हैं, कामयाबी के किस क्षितिज पे जाना चाहती हैं, कितना सारा आकाश अपने कब्जे में लेना चाहती हैं, अपने आगोश में लेना चाहती हैं और कामयाबी की उड़ान भरना चाहती हैं? मेरा ये कामयाबी की उड़ान देखिए सब भरना चाहता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं अगर कामयाब बनूं तो मैं साथ ही सबको मोटिवेट करके बनूं, जैसे कि मैं एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूं। और रही बात मेरी ख्वाहिशों की, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हाँ मैं एक अच्छी सीए बनूं, और उस अकॉर्डिंग मैं अगर ये चीज़ कर रही हूँ कि मैं दोनों स्ट्रीम साथ लेके चलना चाह रही हूँ, एक सीए और एक पेंटिंग, तो मैं दोनों को लेके आगे सक्सेसफुल हो पाऊँ, मेरी पेंटिंग छूटे ना कभी, पेंटिंग छूटे ना, क्योंकि पेंटिंग आपकी पेंटिंग एक मेरी पैशन है, मेरा एक जरिया है जिससे मैं लोगों से इंटरेक्ट हो सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऋषिका हमारे लिए कुछ लाए भी हैं, उसको भी देख लेते हैं, बेजोड़ कलाकार हैं और देख लेते हैं। और एक बार फिर हम लोग ये मास्क बनाया है, देखिए सीआईबी इंडिया न्यूज़ का, हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे ऋषिका और उनकी मैम जो
उन्होंने इनको इतनी अच्छी तालीम दी है और इस तरह की चीज़ें हम सोच सकते थे देख नहीं सकते थे, तो देख भी रहे हैं। और ऐसी बच्चियां समाज के लिए प्रेरणा हैं, ऐसे लोग हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे उस समाज के लिए जहाँ पे अक्सर बच्चियों को रोका जाता है पढ़ने लिखने से, आगे बढ़ने से, ऐसी बच्चियाँ उन सभी के लिए मिसाल हैं और इनका आगे बढ़ना नितांत बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये जो पथ निर्धारण करेंगी अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, उस पर बहुत सारे लोग चल करके कामयाबी के आकाश को छुएंगे। हम ऐसे ही तमाम प्रतिभावान लोगों से आपको मिलाते रहेंगे और उनके दिल की आवाज़, उनके दिल की बातों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।